नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा त्रिवेदी और मैं हूँ श्रीकांत सोनी और स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल शो में। मध्य प्रदेश की उपलब्धियाँ और नवाचार, कैसा रहा साल 2021? तो आइए शुरू करते हैं मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। श्रीकांत, आज जो विशेष कार्यक्रम हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, साल 2021 जो है हमारे बढ़ते मध्य प्रदेश के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही उन्नति वाला, नवाचार वाला और नई उपलब्धियों को लिए हुए आगे बढ़ा है। यानी 2021 में हमने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, तो उसी को लेकर आज हम अपने दर्शकों से चर्चा करेंगे। बिल्कुल पूर्वा जी, और चुनौतियों भरा तो रहा 2021, लेकिन हमने आत्मनिर्भरता की भी इबारत लिखी। हम आगे बढ़ते चले गए, मुश्किलें आई लेकिन हमने जिस तरह से उसका सामना किया वो यादगार रहा और बेमिसाल रहा। बिल्कुल, कोरोना के दौर में भी हमने हार नहीं मानी और आत्मनिर्भरता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो क्यों ना श्रीकांत, शुरू करें हमारे इस विशेष कार्यक्रम को और आगाज करें जनवरी से। पूर्वा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साल की शुरुआत हुई थी, उस साल की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों के कल्याण के साथ साल की शुरुआत की थी। वो इंदौर पहुंचे थे, पंचशील नगर, जहां पर उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता की थी और नए साल का आगाज किया। और चूंकि कोविड के दौर में ही 2021 में हमने प्रवेश किया था, तो आपको याद होगा 16 जनवरी से पहले वैक्सीनेशन की शुरुआत की हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोविड टीकाकरण का शुभारंभ किया। सबसे पहले वैक्सीन यहां कार्यरत वार्ड वाइज संजय यादव को वैक्सीन की प्रथम डोज लगी। टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। यहीं से आगाज हुआ था टीकाकरण जो महोत्सव का या टीकाकरण महाअभियान का, क्योंकि यहां से एक उम्मीद जाग गई थी, रोशनी की किरण थी और इसके बाद इसी मंथ में पंख अभियान की भी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल पूर्वा जी, बेटियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार का जो संकल्प है, यही उद्देश्य से 24 जनवरी को पंख अभियान की शुरुआत हुई थी। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। हमारे जो मध्य प्रदेश के अन्नदाता हैं, उनको किस तरह से समृद्ध बनाएं, ये साल से ही इसका रोड मैप शुरू कर दिया था हमारे सीएम श्री चौहान ने, और उन्होंने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 20 लाख किसानों को 400 करोड़ का हित लाभ का जो है वो वितरण हुआ था। 400 करोड़ रुपया 20 लाख किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से डाल दिए। तो श्रीकांत, जनवरी की हमने बात की और कहते हैं जब आगाज अच्छा हो तो अंजाम निश्चित ही अच्छा होता है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी का आगाज इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देकर किया है। पूर्व जी, फरवरी में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जल अभिषेकम अभियान की शुरुआत की थी। हर खेत को पानी और हर हाथ को काम की मंशा को पूर्ण करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जल अभिषेकम अभियान शुरू किया। इसके तहत महात्मा गांधी मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 57,000 जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण हुआ। हाँ श्रीकांत, बिल्कुल फरवरी माह में जब हमने प्रवेश किया था तब भी हम कोरोना के साए में थे और हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी मुश्तैदी के साथ ये कोशिश में लगी हुई थी कि किस तरह से लोगों को सुरक्षित किया जाए और उनका जो जीवन यापन है वो सुचारू रूप से चल सके। तो फरवरी में एक और आगाज किया गया था स्ट्रीट वेंडर्स योजना का। इस स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत जो हमारे पथ विक्रेता भाई हैं, उनको 10,000 रुपये का लोन जो है सरकार देती है ताकि वो पुनः अपने व्यवसाय को स्थापित कर सके, और फरवरी में भी ऐसा एक आयोजन किया गया था। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण वितरण कार्यक्रम में 40,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए के ऋण उपलब्ध कराया गया। लॉकडाउन चला तो स्थिति बिगड़ गई रही है, स्थिति बिगड़ गई थी, अब कैसे जुन से काम चले। शिवराज सिंह भैया ने हमको 10,000 की मदद दी थी, तो जुन से अच्छा रोजी रोटी चलने लगी। तो देखा आपने किस तरह से हमारे पथ विक्रेता आज प्रसन्न है और उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है और उनका भी जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है और वो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। श्रीकांत, आपको याद होगा इसी फरवरी माह में एक हादसा हुआ था
सीधी बस हादसा जो काफी दुखद था और बहुत ही मार्मिक था। इसी हादसे में एक नाम उभर कर आया था, वो नाम था शिवरानी। शिवरानी ने नहर से दो लोगों की जान बचाई थी। उस बच्ची ने, जैसे ही बच्ची ने देखा कि बस नहर में गिर गई है, वो बच्ची बिना कुछ सोचे समझे नहर में कूदी और दो लोगों को बचाया। खुद सुनिए शिवरानी की बहादुरी की कहानी शिवरानी के जुबान। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इतने लोगों को बचा ले, फिर हम लोगों ने घर में बैठे थे तो हम लोग दौड़ कर गए, तो फिर 7-8 लोग बाहर थे, तो उन लोगों को बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश का IPL में भी हल्ला बोल हुआ। मध्य प्रदेश के दो खिलाड़ियों का चयन हुआ है और मैं आपको बताता हूं कि जो दो खिलाड़ी हैं वो है रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर, जिनका राजस्थान और KKR टीम में चयन हुआ। तो दर्शकों, अगर हम मार्च की बात करते हैं तो श्रीकांत, मार्च का जो आगाज है वो आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के शुभारंभ के साथ हुआ था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मार्च में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन की मध्य प्रदेश को सौगात दी। यह अभियान वर्षा के जल को इकट्ठा करने से जुड़ा हुआ है। प्रदेश में आई कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा रहा। लोगों को इलाज पहुंचाने के हर संभव प्रयास किए गए। तुलसीकांत, अगर हम अप्रैल माह की बात करते हैं और अप्रैल माह में चलते हैं, तो मैं चाहती हूँ अप्रैल के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल पूर्वा जी, अप्रैल माह में प्रदेश के 1891 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की सौगात मिली। इन सबसे ज्यादा हमारा ध्यान रहेगा रोजगार, रोजगार और रोजगार के सृजन पर। दर्शकों, अगर मई महीने की बात करें तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 1500 करोड़ की राशि का अंतरण किया था। किसान कल्याण के अनेकों काम लगातार जारी है। जी हाँ दर्शकों, ये वही मई का महीना था जब कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से जो है वो प्रदेश में फैल चुकी थी और हमारी प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ उससे निपटने के लिए लगी हुई थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात बिल्कुल लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत थे ताकि किसी भी तरह की कोई हानि ना हो। और यही मई के समय बेंगलोर से 15,000 इंजेक्शन का, रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो रैक है वो मध्य प्रदेश पहुँचा था और पूरी सुविधाएं जो है चाक चौबंद की जा रही थी। जून महीने में भी परिस्थितियां ऐसी ही थी पूर्वा जी, और जब जून आया तो कोरोना से परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना से आकस्मिक मृत्यु हुई है उन बच्चों के लिए COVID-19 बाल कल्याण योजना की शुरुआत हुई। बच्चों अकेले मत समझना, पूरी चिंता की जाए, हमारी पढ़ाई लिखाई शिक्षा का बेहतर इंतजाम, हमारी ठीक परवरिश, कोई बच्चा चिंता ना करे, हम संभालेंगे। और श्रीकांत, इसी महीने की जो 21 तारीख भी बहुत ज्यादा खास थी और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को वो एक बार तारीख हम पुनः याद दिलाएं, क्योंकि वो एक उम्मीद की तारीख थी, आशा की तारीख थी, बहुत सारे सपने हमारे जुड़े हुए थे उससे। बिल्कुल, 21 जून की तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रदेशवासियों को, पात्र लोगों को निशुल्क वैक्सीन लगवाने के लिए व्यवस्था की गई और वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है वो शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि पूरी वैक्सीन निशुल्क भारत सरकार प्रदान करेगी, तो हमने ये सोचा कि 21 तारीख से वैक्सीन का महाअभियान शुरू कर दें, ये लोगों की जिंदगी बचाने का अभियान है। तो नागरिकों से अपील है, जो भी पात्र लोग हैं वो वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं, क्योंकि दो डोज पूर्ण होगी पूर्वा जी तभी सुरक्षा संपूर्ण होगी। ये टीका नहीं संजीवनी है, ये टीका नहीं संजीवनी है, ये टीका नहीं संजीवनी है। जी हाँ दर्शकों, जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर का संकट गहराता जा रहा था वही प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उससे निपटने की सारी तैयारियों में लगा हुआ था। यही नहीं, प्रशासन के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, हमारी नर्सेज हो या हमारी आशा कार्यकर्ता हो, हमारी पुलिस कर्मी हो, सबका जज्बा जो है उस समय देखने को मिल रहा था।
क्योंकि सब यही चाहते थे कि हमारा प्रदेश पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाए। और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने इस जज्बे को समझा और सैल्यूट किया उन स्वास्थ्य कर्मियों को जिन्होंने दिन रात की परवाह ना किए बिना मरीजों की सेवा की। जी हाँ, उन्हें सम्मानित करने के लिए इसी मंथ में एक आयोजन किया गया था। प्रदेश की जनता को बचाने के लिए जो प्रयत्न किए सब कुछ अंतरात्मा से उन प्रयत्नों के लिए आपका अभिनंदन। इस दौरान हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का जज्बा भी देखने को मिला। हमारे स्वास्थ्य कर्मी पहाड़ चढ़कर लोगों को सुरक्षा का टीका प्रदान कर रहे थे। इस दौरान ये तस्वीर भी सामने आई जिसको सूरज ने अपने कैमरे में कैद की थी। क्या उनका उद्देश्य था, सुनिए। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जा रहे थे जहां पर बाइक और पैदल नहीं जा सकते, वहां पर जाकर वो वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे थे। उन्हीं महिला कर्मचारी की एक टीम के साथ मैं भी गया और मैंने देखा कि वो कहां पर और कैसे वैक्सीनेशन करते हैं, किस किस परिस्थितियों से गुजर कर वैक्सीनेशन करते हैं ग्रामीण जनों का। मैंने वहां जाकर ग्रामीण जनों और स्वास्थ्य कर्मियों की फ़ोटो खींची और वहां के सभी ग्रामीण जनों ने वैक्सीनेशन लगवाने में अपना सहयोग करा। वहीं श्रीकांत, अगर हम अगस्त की बात करें तो कोरोना का दौर तो चल ही रहा था, लेकिन हमारी जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए या प्रदेश सरकार की बात की जाए, पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही थी और हर वर्ग का ख्याल रख रही थी। उसी समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना की भी शुरुआत की थी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 1,15,00,000 लोगों को लाभान्वित किया गया था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हितग्राही से संवाद भी किया था। माया जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरी जागरूकता से योजनाओं का लाभ उठाया। जी सर। जी हां दर्शकों, यही वो महीना था जब सर्वोच्च खेल अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा हुई थी और हमारे प्रदेश के लिए भी यह गौरव की बात थी क्योंकि दो नाम हमारे यहाँ से भी शामिल थे। इसमें हॉकी स्टार विवेक सागर को विक्रम पुरस्कार और श्री अभय छजलानी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का ऐलान हुआ था। शिवराज सर, इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे एक क्रूशियल टाइम पे, एक ऐसे मैच टाइम पे मुझे कॉल करके मुझे यानी कि एक तरीके से मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ाया। एमपी का खासतौर पर जरूर आगे जाएगा, ऐसे सीएम रहेंगे। तो अगस्त महीने में हुई अतिवृष्टि से शिवपुरी और शिवपुर जिले में बाढ़ के हालात बन गए। मंजर ऐसा था कि गांव के गांव उजड़ गए। राहत एवं बचाव कार्य के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। राजधानी भोपाल से सीनियर आईएएस अफसर निकुंज श्रीवास्तव को शिवपुर भेजा गया। उन्होंने 3 दिन के भीतर शिवपुरी को पटरी पर ला दिया। उन्होंने किस तरह से राहत कार्य किए खुद जानते हैं निकुंज श्रीवास्तव से। यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के और मुख्य सचिव के निर्देश पर मैं वहाँ गया और हमने अर्बन एरिया में सबसे बड़ी चुनौती थी, तो हमने अपनी पूरी अर्बन की सभी निकायों से अपनी टीम मोबिलाइज की, जिसमें भोपाल से, इंदौर से, मुरैना से, ग्वालियर से। और 3 चीज़ें जो वहाँ बहुत विपरीत तरीके से प्रभावित हुई थी, पहली थी वाटर सप्लाई, दूसरी थी सफाई और तीसरी थी बिजली। तो हमारी जो तत्कालिक हमारा जो उद्देश्य था ये था कि इन तीनों चीज़ों को जितनी यथाशीघ्र इसको हम रिस्टोर करें। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, सबने एक टीम की तरीके से मिलकर के रात दिन काम किया और मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व था, मार्गदर्शन था और उनकी एक विल, एक उनकी स्ट्रांग विल थी कि हमें श्योपुर को, किसी को कोई परेशानी नहीं, वापस ट्रैक पे लाना। और फिर इसके बाद उन्होंने लॉन्ग टर्म के रिहैबिलिटेशन पर भी वर्क किया और जितने लोगों के शहरी क्षेत्र में मकान का नुकसान हुआ था उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत और राहत के अंतर्गत नए मकान स्वीकृत। अगस्त में ही सैलाब में संवेदनशीलता देखने को मिली। गुना में बाढ़ प्रभावित सोंडा गांव में 250 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कलेक्टर फ्रैंक नोबेले, एसपी राजीव कुमार और एनडीआरएफ की टीम ने ये सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 दिन पहले बच्ची को जन्म देने वाली माँ का खाट पर बोट के जरिए और बच्ची का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। देखिए ये तस्वीरें। तो श्रीकांत, अगर सितंबर की बात हम करते हैं तो सितंबर का आगाज हुआ था जनजातीय बलिदान दिवस पे, क्या खास हुआ था उस दिन? बिल्कुल, सितंबर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सितंबर महीने में देश के गृह मंत्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति में जबलपुर में जनजाति नायक राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया गया और इसी दिन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की। मध्य प्रदेश में हर साल 15 नवंबर को बिरसा भगवान के जन्मदिन पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसी सितंबर माह में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी था, जिसे जन कल्याण और सुराज अभियान के रूप में भी मनाया गया था। क्या खास था? बिल्कुल, 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जन कल्याण और सुराज अभियान चला और इस अभियान के अंतर्गत कई विकास कार्य, कई लोकार्पण कार्यक्रम हुए और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा जिले के पंदाना में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं को अनेक सौगातें दी थी। इसके अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसमें 75,961 बालिकाओं को 21 करोड़ की छात्रवृत्ति मिली। इसके अलावा 32 जिलों के 103 आंगनबाड़ी केंद्रों के नवनिर्मित भवनों और 52 जिलों की 10,000 पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण भी हुआ। और साथ ही पूर्वजी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने 22 जिलों के कुपोषण से सामान्य पोषण की श्रेणी में आए बच्चों की माताओं को पोषण अधिकार सूचना पत्र भी वितरित किए। यानी ये सितंबर माह था, काफी उपलब्धियों भरा रहा था हमारे मध्य प्रदेश के लिए। सामाजिक न्याय सबको, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। कोई भेदभाव ना करते हुए ये सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। अक्टूबर महीना शुरू हो चुका था। झाबुआ जिले से जनजातियों के विकास कार्यों को लेकर सरकार कृत संकल्पित थी और कई विकास की सौगात दी गई। जी हाँ, ये वही अक्टूबर महीना था जब स्वामित्व योजना भी प्रकाश में आई थी और लोगों को अपने भू अधिकार दिए गए थे। आपको बताना चाहेंगे कि 19 जिलों के 3,000 ग्रामों में 1,71,000 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरण भी इसी महीने किया गया था। तब से मुझे ये अधिकार कार्ड मिला है, उस अधिकार कार्ड से मैं उस घर का मालिक बन गया हूँ और मैं इसको बैंक में रख कर लोन लेकर मेरी दुकान और मेरा व्यवसाय आगे बढ़ा सकता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी हाँ, तो 250 प्रदेश के ही कलाकारों ने 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर दिल जीत लेने वाली प्रस्तुति दी थी पूर्वा जी। बिल्कुल, और हमारे सीएम साहब ने इस प्रस्तुति को काफी सराहा था। जी हाँ श्रीकांत, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस होने के साथ ही ये दिन बुधनी वासियों के लिए भी बेहद खास था। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने वर्चुअली खिलौना महोत्सव का शुभारंभ किया था और ये ऐलान किया था कि जो बुधनी है उसको खिलौना क्लस्टर बनाया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा पूर्वजी, जो बुधनी के खिलौने होते हैं वो हमारे प्रदेश में नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी काफी उनकी डिमांड होती है, काफी चर्चित होते हैं। तो इसी को लेकर कि यहाँ पर खिलौना क्लस्टर बनेगा तो विकास होगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता। बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत, और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि हम बुधनी के खिलौनों को जीआई टैग दिलवाने के लिए भी भरपूर प्रयास करेंगे। लकड़ी के खिलौनों की तो मार्केटिंग भी करेंगे, बनवाएंगे भी, कच्चा माल भी उपलब्ध करवाएंगे और इन खिलौनों को हम जेम पोर्टल पर भी डालेंगे। जो उत्पाद है आपका उसको ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भी कोशिश की जाएगी। श्रीकांत, नवंबर का यही महीना जो है वो दीपावली की खुशियां भी लेकर आता है, लेकिन इस बार हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये खुशियां अकेले ना मनाते हुए उन बच्चों के साथ मनाई जो कोविड में अपने माता पिता को खो चुके हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के साथ दीपावली मनाई और ये उनको संबल देने की कोशिश की गई पूर्वाजी कि वो अकेले नहीं है, उनके मुख्यमंत्री, उनकी सरकार उनके साथ खड़ी है, वो आगे बढ़े
उनकी वो भी एक नई ऊंचाइयों को छुए, ये उनको बच्चों को समझाया गया और खुशियां बांटी। बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत, बहुत ही भावनात्मक क्षण थे वो जब माननीय मुख्यमंत्री जी उन बच्चों को गले लगा रहे थे, अपने हाथों से भोजन करवा रहे थे और उपहार उन्हें दे रहे थे। उन बच्चों के चेहरे की जो खुशी थी वो देखते ही बन रही थी। बिल्कुल, उन बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक ऊर्जा के भाव मुख्यमंत्री ने उनको दिए, तो ये बहुत आत्मीय पल, बहुत ही भावनात्मक पल और यही संवेदनशीलता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, कि वो ये कहते हैं कि वो जितनी भी उनसे बनेगा वो पूरी कोशिश इन बच्चों के हमेशा संवारने के लिए। बिल्कुल, उनका हमेशा ये कहना होता है कि मैं आपके गए हुए लोगों को या जो हमारे परिजन उनके बीच नहीं है उनको वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन हर संभव प्रयास करूंगा उनकी कमी पूरी करने की। और श्रीकांत, वो अपने मामा होने का फर्ज जो है बखूबी निभाते हैं। दुखी मत होना, मन भारी मत करना, ये बात सच है कि माता पिता हमारी सबसे अमूल्य पूंजी होते हैं, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर तुमसे कहता हूँ उनकी कमी महसूस ना हो इसकी हर संभव कोशिश जरूर हम करेंगे। जी हाँ, नवंबर माह में एक और बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश को प्राप्त हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर माह जो है जनजातीय समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहा, एक और बड़ी उपलब्धि प्रदेश को हासिल हुई। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के 3 नाम शामिल थे। पहला नाम था साहित्यकार कपिल तिवारी का, दूसरा नाम था पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन का और तीसरा नाम था भूरी बाई का। इस नाम की चर्चा प्रदेश में बहुत हुई, जानते हैं क्यों? नहीं, आइए बताते हैं उनकी उपलब्धि की कहानी उन्हीं की जुबानी। छोटे छोटे अवार्ड मैंने पहले सीकर सम्मान लिया, दूसरा देवी अहिल्या है, तीसरा रानी दुर्गावती है, चौथा अवार्ड है मध्य प्रदेश गौरव का अवार्ड है, अब जाके ना ये पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है। फिर 15 नवंबर को वो ऐतिहासिक दिन पूर्वा जी, जब जनजातीय गौरव दिवस भोपाल के जम्बूरी मैदान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में मनाया गया। भगवान बिरसा का सम्मान संपूर्ण जनजातीय समाज का सम्मान है। उसी दिन हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की जो सौगात है वो हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल को मिली। राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौर गढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया। तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के दिन जनजाति बाहु क्षेत्रों में राशन आपके ग्राम योजना शुरू की गई। किस तरह से ये योजना की शुरुआत हुई, देखिए मेरे सहयोगी राशिद की ये रिपोर्ट। जनजातीय बाहुल्य नवासी विकास खंडों में इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राशन को जो जनजाति बाहुल्य ग्राम है उनके गांव तक पहुंचाना, ताकि कई मीलों का सफर करके गरीबों को, मजदूरों को राशन लेने के लिए जाना पड़ता था, उस सफर से मुक्ति मिले, राशन उनके गांव तक पहुंचेगा और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। जनजातीय समाज के उत्थान के लिए चलाए जा रहे अभियानों का सिलसिला नवंबर तक ही नहीं थमा, बल्कि ये दिसंबर में भी लेकर आया, क्योंकि योजनाएं मूर्त रूप ले रही थी। बताइए श्रीकांत जी। बिल्कुल पूर्वा जी, दिसंबर की अगर बात करें हम, तो जननायक टंट्या मामा की जो क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा थी, उससे मालवा निमाड़ पूरी तरह से सराबोर नजर आया। जो उत्साह था उसकी वो यात्रा में बड़े ही नहीं बच्चों में भी एक जोश देखने को मिला। देखिए आप ये इसकी कुछ झलकियां। क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा प्रदेश के विभिन्न जनजाति क्षेत्रों से आदर और श्रद्धा पूर्वक निकाली गई। आस्था और श्रद्धा रूपी इन यात्राओं का मिलन 3 दिसंबर को धार में हुआ, जहां से यात्रा इंदौर आई। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पाताल पानी में स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक टंट्या मामा भील की अष्ट धातु की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इंदौर में नेहरू स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम हुआ और पूर्वाजी, और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी घोषणा की। तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की धरती पर आज से पैसा एक्ट लागू करने का शुभारंभ कर रहा है।
जी हाँ, और यही दिसंबर का वो महीना है जब हमने कोविड टीकाकरण के दोनों डोज के 10 करोड़ टीके जो हैं पूरे कर लिए। और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई भी दी, साथ ही उन्होंने अपील भी की कि जब तक दोनों डोज पूर्ण नहीं होंगे तब तक सुरक्षा संपूर्ण नहीं होगी। जो शेष रह गए हैं, चाहे वो पहला डोज हो चाहे वो दूसरा डोज हो, आपके आसपास, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके परिचित अगर कोई टीकाकरण से वंचित रह गए हो तो कृपया करके उनको भी टीका लगवा दें, ताकि तीसरी लहर की आक्रामकता को हम पूरी ताकत से रोक दें और अपनी जनता को बचा पाए। दिसंबर महीने में ही एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर सभी की सांसें थम गई। छतरपुर के दोनी गांव में महज 1.5 साल की मासूम बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में जा घुसी। परिवार वालों ने जब आवाज सुनी तो तुरंत प्रशासन को खबर दी गई। प्रशासन ने बिना देर किए योजना बनाकर बच्ची को 9 घंटे के अंदर सकुशल बोरवेल से बाहर निकाल लिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसा रहा हमारा 2021 और जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सफर जो है हमने तय किया, तो श्रीकांत, अगर पूरे वर्ष का आकलन किया जाए तो 2021 है वो कई उपलब्धियों भरा और कई सौगातों वाला वर्ष रहा है। बहुत सारे नवाचार हुए हैं और हमारे प्रदेश को काफी समृद्धि प्राप्त हुई है। बिल्कुल, समृद्ध, सशक्त और कहें कि कुशल नेतृत्व जब होता है पूर्वा जी, तो हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर नई इबारत लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, नवाचार हो रहे हैं, सशक्त हो रहा है। और यहाँ के किसान हो या महिलाएं हो या बेटियां हो, वो एक नई उड़ान उड़ने के लिए तैयार है। तो हम सभी 2022 में प्रवेश करने वाले हैं, तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहूंगी कि हमारा प्रदेश और उन्नति करे, तरक्की करे और प्रगति मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहे। जय मध्य प्रदेश।